डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मैच में सीआईसी क्लब चरगावा ने राजपूत स्पोर्टिंग क्लब पीपीगंज को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें चरगावा टीम ने 3 गोल मारते हुए जीत हासिल की। वहीं दूसरे मैच में संदीप क्लब पीपीगंज और खोराबार एफसी के बीच खेला गया, जिसमें खोराबार एफसी की टीम ने 2-0 से मैच जीत लिया। तीसरा मैच सौराष्ट्र क्लब नवापार और रवि स्पोर्टिंग क्लब कूड़ाघाट के बीच खेला गया, जिसमें सौराष्ट्र क्लब ने मैच 1-0 से जीत हासिल किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भोजपुरी साहित्यकार रविंद्र श्रीवास्तव जुगाड़ी भाई ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के बाद खेल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के साथ स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए साहित्यकार रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगाड़ी भाई ने कहा, कवि और साहित्यकार हैं, ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगाड़ी भाई साथ में माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के साथ संदीप क्लब पीपीगंज से परिचय प्राप्त करते हुए उभरते हुए खिलाड़ियों को आशीर्वाद देना और उनका मार्गदर्शन करना। अब बारी आती है रेफरी की, सेंटर में विकास कुमार, जोर से बोलो, जोर से, अमरजीत, राजन यादव, थोड़ा एफसी से परिचय करके आगे बढ़ते हुए और मुख्य अतिथि के द्वारा साथ में वरिष्ठ खिलाड़ी प्रेम शंकर मिश्र, बहुत शौकीन आदमी, पीपीगंज से टीम लेकर के नंबर 17 ने गेट को संभाला है, हमला बनाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े हुए गेट किया और ये बेहतरीन राजपूत स्पोर्टिंग की तरफ से राजपूत स्पोर्टिंग के खिलाड़ियों के लिए जो गोरखपुर में एक सन्नाटा था पूरे शहर में, उसको तोड़ने का एक अद्भुत प्रयास किया गया है। यह खुद में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जानते होंगे किसी ज़माने में किसी भी विद्यालय का कोई भी ग्राउंड खाली नहीं मिलता था। कभी ए टीम की बी टीम से, कभी हॉकी, कभी फुटबॉल, कभी कुछ। आज ये खेल के बंद हो जाने से क्या क्या सामने आ रहा है, सब कुछ सामने है, आप देख ही रहे हैं। जितनी दवा की दुकानें गोरखपुर में खुली हुई हैं, उनके पीछे के कुछ कारण हैं, उन पर भी जरा सा गौर कीजिएगा, चीज़ें साफ एकदम सामने आ जाएंगी। फिजिकल फिटनेस पर ध्यान न दिया जाना एक बहुत बड़ा दोष है और उसका खामियाजा पूरा शहर ही नहीं, पूरी एक संस्कृति, पूरी एक पीढ़ी भोग रही है। इसको तोड़ने का एक प्रयास किया गया है, भले ही अभी छोटे संदर्भ में ही सही, लेकिन बाद में धीरे धीरे यही विकसित होगा, यही आगे बढ़ेगा। चूंकि समय ऐसा है, कोरोना काल है, कि बचा करके काम को करना भी है। वो इसमें जो हो रहा है वही बहुत है, शुरुआत बहुत अच्छी बात हुई है, कम से कम सन्नाटा टूटा है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो पहले भाई अब अपने शरीर को देखो बेटा, कुछ तो सोचो कि तुमको करना क्या है, जाना कहाँ है। जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो लेकर के मोबाइल खेलते रह जाओगे, आगे कहाँ बढ़ पाओगे, सारा कुछ तो मोबाइल ने तुम्हें चाट लिया है। तुम सबसे बड़ी चीज़ ये है, कुछ समय तो अपने शरीर के लिए दीजिए, सुबह को, शाम को, कोई भी समय आप अपने छांट लीजिए। तो इसके लिए कुछ समय आपको देना पड़ेगा और जब तक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो न स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा, न स्वस्थ सोच ही रहेगा, सोच भी आपकी गड़बड़ होती चली जाएगी।
बस यही चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए, बाकी खुद जो है वो बहुत बड़ी बात ये हो जाएगी।